हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का फिजिक्स और हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का फोर्थ पार्ट आज हम पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमने इसके 75% से भी ज़्यादा पोर्शन कम्प्लीट कर लिया है। तो गुरुत्वाकर्षण का आज जो मेरा क्लास है वो इसका लास्ट क्लास है और आज हम इसमें एक स्पेशल टॉपिक इसका पढ़ेंगे, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय विभव। तो ये टॉपिक है हमारा आज का और सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुरुत्व क्षेत्र। देखिए, यहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्व क्षेत्र। ग्रेविटेशनल फील्ड या गुरुत्व क्षेत्र का मतलब क्या है? देखो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। किसी भी चीज़ का क्षेत्र हो, क्षेत्र मतलब होता है जहाँ तक उसका प्रभाव हो। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब होता है कोई वस्तु है, कोई भी पिंड है या हमारी पृथ्वी है, उसके चारों ओर जहाँ तक उसके गुरुत्व का प्रभाव होता है उसको हम गुरुत्व क्षेत्र कहते हैं। एक्चुअली बहुत सामान्य से कॉन्सेप्ट है, नाम से स्पष्ट है, लेकिन इस टर्म को हम पढ़ रहे हैं ताकि हम आपको आगे बता सकें गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा यह आपको 12th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, खासकर मैं सीधा बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी पर आपको पूरा काम आएगा, ये बात आप कभी नहीं भूलना। आज जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका सीधा सीधा आप 12th क्लास में जब विद्युत का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो काम आएगा। स्टार्टिंग में ही आप पूरे टर्म को इसी तरह पढ़ोगे। जब मैं 12th क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो जरूर याद दिलाता हूँ कि आपने 11th क्लास में ऐसा पढ़ा होगा। कुछ लोग को याद रहता है, कुछ लोग को याद नहीं रहता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को याद रहेगा। तो गुरुत्व क्षेत्र का मतलब क्या होता है? सपोज ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर यह वह क्षेत्र है जहाँ तक इसका प्रभाव है। मतलब यहाँ पर गुरुत्वीय प्रभाव है। इससे बाहर चले जाएं इस लाइन से तो गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो मैंने बॉर्डर लाइन खींचा है उसके अंदर में किसी भी बिंदु पर आप जाओ तो आपको वहाँ पर गुरुत्व क्षेत्र, दैट मीन्स उसका आकर्षण मिलेगा। इससे बाहर चले जाओ, इस लाइन से बाहर, तो गुरुत्व क्षेत्र क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, समाप्त, शून्य हो जाता है। गुरुत्वीय वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो ये होता है गुरुत्व क्षेत्र का मतलब। अब यहाँ पर जो टर्म हमको इसमें बेसिकली समझना है वो है गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता। यह बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब होता क्या है? देखो, ध्यान से सुनो, ये हमारा गुरुत्व क्षेत्र है। अब ये तो पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों ओर इसका गुरुत्व का प्रभाव है। सपोज हम इसके गुरुत्व क्षेत्र में यहाँ पर एक इकाई द्रव्यमान के पिंड की कल्पना करते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान है सपोज कैपिटल M। तो गुरुत्व क्षेत्र में इस पॉइंट पर, ये सपोज बिंदु A है, इस बिंदु पर हमने इकाई द्रव्यमान का एक पिंड रखा हुआ है। तो यह इकाई द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी के द्वारा जितने आकर्षण बल का अनुभव करेगा, मतलब इकाई द्रव्यमान के पिंड पर पृथ्वी जितना आकर्षण का बल लगाएगी उसे ही हम क्या कहेंगे? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब एकदम सामान्य सी बात है। यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ सबसे पहले तो मान लो यहाँ पर एम द्रव्यमान का पिंड होता तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो एफ इक्वल टू क्या होता? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर, ये होता। यदि यहाँ पर एम द्रव्यमान का पिंड होता तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्व बल इतना होता है। लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट में क्या कह रहे हैं कि यदि ये जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाए? इकाई हो जाए। यदि हम इसको इकाई कह दें, मतलब यदि m = 1 हो जाए तो उस कंडीशन में ये जो f है
उसको हम बल न कह के गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और उसको हम जनरली कई राइटर लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कई राइटर लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ पर आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आई फार होता है इंटेंसिटी, तय हो जाएगा आई इक्वल जी कैपिटल एम, जी कैपिटल एम, और ये जो स्मॉल एम होता है वह क्या हो चुका है, वन हो चुका है, तो वहाँ से हट जाएगा और अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वेयर। तो ये होता है गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता। कुल मिला के आपसे बहुत स्पष्ट इजी लैंग्वेज में बात करूँ तो गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय बल ही है, लेकिन इकाई द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला गुरुत्वीय बल है। किसी भी पिंड पर लगेगा तो बल है, और इकाई द्रव्यमान पर लगेगा तो गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता है। भाई दोनों में कितना डिफरेंस है, सिर्फ इस द्रव्यमान का डिफरेंस है। यदि द्रव्यमान इकाई हो तो उस पर जो बल लगेगा उसे हम गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो ध्यान रखना, वास्तव में गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, बल ही होता है, लेकिन वह इकाई द्रव्यमान के पिंड पर लगता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यह पिंड यदि इकाई द्रव्यमान का न होकर एम द्रव्यमान का होता तो यह बल कहला रहा है देखो, लेकिन उसी को हमने इकाई द्रव्यमान कह दिया तो क्या कहलाने लगा, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता। इस प्रकार से टू द पॉइंट हम डेफिनेशन करें गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता की, तो क्या कहेंगे, गुरुत्व क्षेत्र में स्थित किसी इकाई द्रव्यमान के पिंड पर जितना बल लगता है या वह पिंड जितना बल अनुभव करता है उसे हम गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसी तरह आप 12th क्लास में पढ़ोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ध्यान रखना गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसा चीज होगा। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमको पढ़ना है आज इस टॉपिक चैप्टर पर वो है गुरुत्वीय विभव। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यह भी आप 12th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ोगे विद्युत में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या गुरुत्वीय विभव, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब होता है, पहले मैं आपको फार्मूला लिख दूं इसके लिए फिर हम बात करते हैं उस पर। इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं और V इक्वल टू होता है माइनस W अपॉन M। ये माइनस के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा आपसे। यहाँ पर W क्या है, किया गया कार्य है, W यहाँ पर किसी भी पिंड पर किया गया कार्य है और यह तो द्रव्यमान है, क्लियर है आपको। तो यहाँ पर देखो यदि मैं यहाँ द्रव्यमान को इकाई ले लूँ, यदि यहाँ पर भी द्रव्यमान को इकाई ले लूँ तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, माइनस डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, फिर गुरुत्वीय विभव हम किसे कहेंगे, देखो देखो सपोज ये गुरुत्व क्षेत्र है, जैसा मैंने अभी आपको बताया ये मान लो गुरुत्व क्षेत्र है। अब इस गुरुत्व क्षेत्र में यदि हम इकाई द्रव्यमान के पिंड को लाना चाहते हैं, कहाँ से लाना चाहते हैं, अननोन प्लेस से, अज्ञात जगह से, जिसको हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में अनंत कहते हैं। अनंत का मतलब होता है ऐसा जगह, ऐसा पोजीशन जिसके बारे में हम नहीं जानते, जो अज्ञात है। तो कहीं से भी मान लो अनंत से हम कहीं से भी, यहाँ पर अनंत लिख दिया, अनंत को डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो एकांक द्रव्यमान के पिंड को, इकाई द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्व क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे कार्य हो, उसी कार्य को ही हम गुरुत्वीय विभव कहते हैं। यहाँ पर ऋण चिन्ह इसलिए लगाया गया है क्योंकि ऋण चिन्ह हमको बताता है कि यहाँ पर कार्य निगेटिव है। क्यों, क्योंकि किसी भी वस्तु को हमको पृथ्वी की तरफ लाने के लिए बल नहीं लगाना पड़ता, पृथ्वी उसको अपने आप खींचती है। दैट मीन्स यहाँ पर वर्क क्या है, निगेटिव है, वर्क कार्य ऋणात्मक है, इसलिए वहाँ पर ऋण चिन्ह लिया गया है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, देखो गुरुत्वीय विभव की परिभाषा कैसे करेंगे, एकांक द्रव्यमान के पिंड को, ध्यान से सुनिए, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्व क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्व क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है गुरुत्व विभव कहलाता है। जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्व क्षेत्र है और हम अनंत से, अंतरिक्ष से, स्पेस से यदि इकाई द्रव्यमान के पिंड को लेकर गुरुत्व क्षेत्र तक लाएं तो उसके लिए हम जो वर्क करेंगे, उसके लिए जो हम कार्य करेंगे
उसे ही हम क्या कहेंगे, गुरुत्वीय विभव। तो ये इसका फार्मूला है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा कि बिंदु बिंदु आकार की वस्तु के लिए या बिंदु वस्तु के लिए गुरुत्वीय विभव की गणना करना, जो एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है। इसमें समाकलन का उपयोग होगा, थोड़ा आपका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन जो आपने पढ़ा है, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स मैंने आपको बहुत पढ़ाया है, वो सबका रिवीजन हो जाएगा आपका। और ऐसे भी आपको याद होगा शायद पिछले क्लास, हेलो स्टूडेंट्स, अन अकेडमी लेके आए आपके लिए एक स्पेशल फीचर, आज के डाउट क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, आप किसी भी समय कितने भी डाउट आप पूछ सकते हैं, अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं हमारे इस फीचर पर, और आपके होमवर्क के लिए भी आपको असिस्टेंस मिलेगा इससे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस ऐप को आप यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ऐप में जाना है और आस्क ए डाउट क्लिक करना है। सेकंड स्टेप में आपने जो पिक्चर लिया हुआ है क्वेश्चन का, या फिर वहाँ पर गैलरी ले सकते हैं या पिक्चर ले सकते हैं, वो आपको लेना है। नेक्स्ट स्टेप, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने जो पिक्चर लिया है उसमें केवल उसी क्वेश्चन को क्रॉप करना है जो जिसका आपको आंसर चाहिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन क्रॉप करना है दैट मीन्स, और आपको चूज किए हुए क्वेश्चन को डालना है, फिर आपको तुरंत उसका आंसर मिलेगा। देखिए, इसमें जो आपको सावधानी रखनी है वो ये है कि आप एक टाइम में केवल एक ही डाउट पूछेंगे, एक से अधिक डाउट सेंड नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो इसमें पिक्चर भेजेंगे क्वेश्चन का, वो क्लियर होना चाहिए, पिक्चर की क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए, हैंड रिटन नहीं होना चाहिए। और तीसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि आप यदि MCQ क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं तो उसके सभी ऑप्शन आपके क्वेश्चन के नीचे में होने चाहिए। आइए अब आपको मैं बता दूं कि आप यदि अनअकैडमी में ये यूज़ करना चाहते हैं फ्री डाउट क्लियरेंस, तो आप मेरा कोड यूज़ करिए, जितेंद्र सर लाइव। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप यदि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको मेरे इस कोड को यूज़ करने पर। जितेंद्र सर लाइव कोड आप यूज़ करिए और 10% का आप डिस्काउंट पाइए। ओके, थैंक यू। आज मैंने बोला था कि कैलकुलस रिवाइज कर लेना, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिंदु पिंड के लिए क्या बात है। किसी बिंदु पिंड के लिए गुरुत्व विभव की गणना या गुरुत्व विभव की गणना, नहीं लिख रहा हूं ये, किसी बिंदु पिंड के लिए गुरुत्व विभव। बिंदु पिंड मतलब होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब कोई गोलाकार वस्तु। सपोज हमारे पास कोई गोलाकार वस्तु है और उसके चारों ओर उसका गुरुत्व का प्रभाव है, उसके किसी बिंदु पर हम गुरुत्व विभव की गणना करना चाहते हैं। क्लियर? तो चलिए इसके लिए अपन एक ये सपोज ये कोई बिंदु आकार का वस्तु है, सपोज मान लो ये बिंदु आकार का वस्तु है, और इस बिंदु आकार के वस्तु से मान लो हम r दूरी पर किसी बिंदु पर गुरुत्व विभव की गणना करना चाहते हैं। ओके, तो ये बिंदु आकार का वस्तु है, इसका द्रव्यमान हमने m ले लिया, और यहाँ पर इस बिंदु पर बिंदु P है जिसकी यहाँ से दूरी मान लो r है, और इस बिंदु पर हम गुरुत्व विभव की गणना करना चाहते हैं। बिंदु P पर हमको गुरुत्व विभव का गणना करना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर दो अल्पांश ले लेते हैं। अल्पांश मतलब अल्प दूरी ए बी, और इसके बीच की दूरी को मान लेते हैं हम dx, और b की दूरी को यहाँ से मान लेते हैं हम x, ये ध्यान रखना। क्लियर? ये हमने यहाँ तक की दूरी को क्या मान लिया, क्या क्या मैंने बताया समझ में आ गया आपको। m द्रव्यमान का पिंड है, इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, यहाँ हमको विभव की गणना करना है।
हमने इसके गुरुत्व क्षेत्र में दो अत्यंत निकट बिंदु ले लिया ए और बी, इसके बीच की दूरी को डी एक्स ले लिया, और बिंदु बी की इस पिंड से दूरी को हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, मान लो ये ओ है। अब सबसे पहले हम लिखते हैं बिंदु बी पर गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु बी पर मैं संकेत से लिख रहा हूं, डायरेक्ट तो आप समझ जाओगे, आई, आई मतलब गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता, अभी हमने पढ़ा है। तो बिंदु बी पर आई कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम अपान एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां से इसके बीच की दूरी क्या है, एक्स है। ये हो गया बिंदु बी पर गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या करते हैं, बिंदु बी से एकांक द्रव्यमान को ए तक लाने में, इस बिंदु बी से बिंदु ए तक एकांक द्रव्यमान को लाने में कितना कार्य किया जाता है, ये हम यहां पर निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम लिख रहे हैं एकांक द्रव्यमान को, एकांक द्रव्यमान को कहां से, बी से, बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, ये अल्प कार्य है, छोटा कार्य है, क्योंकि यहाँ पर हम B से A तक ला रहे हैं, बहुत छोटी दूरी तक क्या कर रहे हैं, हम वस्तु को ला रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे dW। तक किया गया कार्य को हमने ले लिया क्या, dW इक्वल टू हो जाएगा इंटेंसिटी, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। तो इंटेंसिटी तो बल ही होता है, अभी मैंने बताया कि एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला जो बल होता है उसके हम तीव्रता कहते हैं। तो हो जाएगा आई इंटू कार्य हो गया हमारा dx, तो ये हो जाएगा dW इक्वल टू आई इंटू dx, दैट इक्वल आई के मान को यहाँ से हम पुटअप कर देते हैं, तो आई का मान क्या है, जी कैपिटल एम अपान एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। ये हमने निकाला है एकांक द्रव्यमान को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, लेकिन हमको गणना करना है किसका, विभव का। तो विभव का गणना करने का मतलब है कि हम पिंड को कहाँ से लेके आए, अनंत से। अभी मैंने आपको परिभाषा में बताया कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि कुल कार्य, ठीक है, इसलिए एकांक द्रव्यमान को, कहाँ से ला रहे हैं अपन, अनंत से, बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, ये हम कार्य निकाल लेते हैं, लाने में किया गया कार्य। तो अनंत से लाने में किया गया कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अब हम यहां पर करेंगे टोटल कार्य, ये हो गया W। तो टोटल कार्य क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dW, मतलब ये जो छोटा छोटा कार्य है, ये छोटा छोटा पार्ट पार्ट में जो कार्य किया जाएगा उसको यदि हम समाकलन कर दें, क्योंकि समाकलन का मतलब ही होता है जोड़ना, तो ये अल्प किए गए कार्य को हम जोड़ दें तो हमको पूर्ण कार्य निकल जाएगा। अब ला कहाँ से रहे हैं हम उसको, अनंत से ला रहे हैं, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। कहाँ तक ला रहे हैं, पी तक, और पी का यहाँ से दूरी कितना है, आर, तो अनंत से क्या हो जाएगा, आर। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अनंत से आर तक उसको लाने में किया गया कार्य निकालेंगे, क्लियर। अब इसको मैं थोड़ा सा इधर मूव कर दूं ताकि आपको साथ में बताया जा सके इसको, ये। तो यहां से लाने में किया गया कार्य की गणना कर लेते हैं, चलो मान को भर देते हैं फिर अपन, इस dW के मान को यहां से ऊपर से ला के पुट अप कर देते हैं, तो हो जाएगा W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू R, और dW का वैल्यू है अपने पास जी कैपिटल एम अपान एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब इसका करते हैं हम समाकलन, तो समाकलन करेंगे तो कांस्टेंट क्वांटिटी नियतांक क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो बाहर हमने क्या कर दिया, जी एम को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन आप ये ऊपर जाके एक्स का टू द पावर माइनस टू डी एक्स हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर। अब यहाँ पर हम इसका समाकलन करेंगे, तो आपको मालूम है समाकलन का फार्मूला, ये आपको मैंने बताया था, यहाँ पर लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपन एन प्लस वन, ये समाकलन का सूत्र है। ये समाकलन पढ़ाते समय देखो, आप लोग का यदि मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम है, जो नए स्टूडेंट हो सकता है बीच में वीडियो देखना शुरू किए होंगे, वो सबको मेरा सलाह है कि मेरे चैनल में मूलभूत गणितीय अवधारणा, जो कि फिजिक्स की जान है समझ लो,
जब तक आपका मूलभूत गणितीय अवधारणा अच्छे से क्लियर नहीं होगा, आप फिजिक्स 11, 12 में अच्छे से नहीं समझ सकते और आगे कॉम्पिटिटिव का तो सोच ही नहीं सकते। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो मेरे चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाना और मूलभूत गणितीय अवधारणा मिलेगा, वहाँ से आप सब चीज़ पढ़ो। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और हिंदी मीडियम वालों के लिए सेपरेट सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है। पहले सिर्फ इंग्लिश के लिए था, लेकिन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स लोग को परेशानी होती थी, बहुत लोग का उनका रिक्वायरमेंट था, तो मैंने दोबारा उसको हिंदी में भी बनाया है, तो वहाँ से आप देखिए, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, दैट इक्वल जी कैपिटल एम, ये देखो एन का मान माइनस टू है, यहाँ पर एन का मान माइनस टू है, तो सूत्र में मान भर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन इन्फिनिटी टू आर। इस फार्मूला में हमने वैल्यू पुट अप कर दिया, दैट इक्वल, अब इसको ध्यान से समझना, माइनस टू प्लस वन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस वन आएगा, तो माइनस को मैंने बाहर लिख दिया, तो माइनस जी कैपिटल एम और ये एक्स टू दी पावर माइनस वन जिसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स इन्फिनिटी टू आर, दैट इक्वल, अब ये हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी और दैट इक्वल वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाता है, तो हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर। अब इसको हम कहेंगे गुरुत्वी विभव, क्योंकि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, गुरुत्वी विभव। तो यह गुरुत्वी विभव का फार्मूला है, माइनस जी एम अपॉन आर। क्लियर, तो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गुरुत्व विभव किसे कहते हैं, गुरुत्व विभव की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर माइनस साइन आया है क्योंकि इसका वैल्यू निगेटिव होता है। अब इसको मैं आपको एक साथ कंप्रेस करके दिखा दूँ, पार्ट पार्ट में तो आपने देख लिया, ये वैसे दिखेगा, इतना भी दिखेगा आपको। तो किसी बिंदु पिंड के लिए गुरुत्व विभव की गणना के लिए ये कंडीशन आप समझे, सबसे पहले हमने बिंदु बी पर क्या निकाला, विद्युत गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता निकाला, फिर एकांक द्रव्यमान को बी से तक लाने में किया गया कार्य निकाला, डी डब्ल्यू आई इंटू डी एक्स ये निकाला, एकांक द्रव्यमान को अनंत से बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निकालने के लिए हम उसको अनंत से आर तक समाकलन कर दिया डी डब्ल्यू, यहाँ पर से हमने डी डब्ल्यू के मान को पुट अप किया, तो ये एक्स का घात ऊपर जाके ऋण, इस सूत्र की सहायता से हमने इसका समाकलन किया और ये इसके गुरुत्व विभव की गणना है। ओके, तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद देखो एक टॉपिक है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सेम इसका रिपीट टॉपिक है, तो इसी में मैं आपको करेक्शन करके पढ़ा रहा हूँ, इसी टॉपिक पर मैं आपको करेक्शन करके पढ़ा रहा हूँ। वो क्या होता है देखो, तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऊपर में, चलिए इसको मैं, तो यहाँ तक आप लिख लो पहले या स्क्रीन शॉट ले लो या फिर नोट्स बना लो। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यदि आपको इसी टॉपिक को इसीलिए मैं यहाँ पर आपको सुधार के बता रहा हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। देखो गुरुत्वीय विभव तुलनात्मक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में अंतर क्या है। गुरुत्वीय विभव का परिभाषा है एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में यहाँ पर पिंड एकांक द्रव्यमान का नहीं होता, किसी एम द्रव्यमान के पिंड या किसी भी द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्व क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, वो उसमें ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। तो कभी भी जब आपको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकालने की बात करेगा तो इसी टॉपिक को आपको रिपीट करना है सेम टू सेम, और क्या रिपीट करना है ध्यान से सुनो, यहाँ पर इकाई द्रव्यमान है तो उसको लिखे नहीं है, अब एम द्रव्यमान है तो स्मॉल एम लिख दो, यहाँ स्मॉल एम लिख दिया, यहाँ पर रेड इंक से सुधार कर रहा हूँ, ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए, इसलिए आप टॉपिक को दो बार तैयार करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एम लिख दिया, यहाँ पर भी एम लिख देंगे, माने सभी एम के साथ में एक स्मॉल एम भी आ जाएगा, यहाँ पर भी स्मॉल एम आ जाएगा और यहाँ पर भी स्मॉल एम आ जाएगा, यहाँ भी स्मॉल एम आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, मतलब हर जगह कैपिटल एम के साथ में आपको स्मॉल एम भी मल्टीप्लाई कर देना है, और इस समय जब ये फार्मूला आएगा जिसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन
आर, यह कहलाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको उसके लिए अलग से आप प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अब उस समय इसको आई नहीं कहोगे, फिर क्या कह दोगे, एफ। क्यों? क्योंकि गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता कब होती है, जब वो द्रव्यमान का, इसीलिए सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया अच्छे से, जब वो इकाई द्रव्यमान का हो। और जब ये इकाई द्रव्यमान का नहीं होगा, एम द्रव्यमान का होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, बल कहेंगे। और उस समय आप इसको भी आई ना कह के क्या कहोगे, एफ कहोगे, एफ इंटू डी एक्स। तो एफ का मान भरोगे तो जी एम एम अपान एक्स स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो इस टॉपिक को आप ऐसी करेक्ट करके गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के लिए कन्वर्ट कर लोगे। ओके, तो ये मैंने आज जो आपको बताया, इस क्लास को आप ध्यान में रखना। अच्छा, एक छोटा सा रिलेशन मैं इसी पेज पर लिख देता हूँ, ये कहीं कहीं पर आपको कॉम्पिटिटिव वगैरह में काम आ सकता है। वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अलग ही पेज में लिख देता हूँ। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। वी तथा आई में संबंध, वी तथा आई में संबंध, वी तथा आई में संबंध क्या है? देखो, हमको पता है आई इक्वल टू हमने लिखा है जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर, ये, और वी इक्वल टू अभी हमने लिखा है माइनस जी एम अपान आर। अब इसी में यदि मैं आर डिवाइड कर दूं तो वी अपान आर इक्वल टू इसी में माइनस जी एम अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से वी अपान आर को आप क्या कर सकते हो, ये अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको आई लिख सकते हैं, माइनस आई लिख सकते हैं। इस तरह से इसको यदि हम कैलकुलस के फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में, क्योंकि रेट ऑफ चेंज है ये, तो यहाँ पर हमको एक नया रिलेशन मिलता है। वो रिलेशन है कि आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस डी वी अपान डी आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव में न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने में काम आता है। तो यह वी तथा आई में संबंध है, मतलब गुरुत्वीय विभव को यदि हम दूरी के सापेक्ष अवकलन करें तो हमको क्या मिल जाता है, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता मिल जाता है। क्लियर, ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से दोनों में रिलेशन बनता है। तो आई इक्वल टू होता है माइनस डी वी अपान डी आर। इस तरह से यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। न्यूमेरिकल्स तो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा, थोड़ा डिले हुआ आप लोग का न्यूमेरिकल के लिए। एक्चुअली मेरा पूरा फोकस अभी ट्वेल्थ बोर्ड के, थोड़ा सा नया तो चैनल है, पूरा सेशन में अपने को पूरा पढ़ाने को भी नहीं मिला। और ट्वेल्थ बोर्ड का एक नैतिक जिम्मेदारी है कि बोर्ड एग्जाम है करके मैं उस पर ज़्यादा फोकस किया। खैर, आप लोग का भी पूरा हो जाएगा, हो सकता है कुछ स्टेट में इलेवंथ के एग्ज़ाम पहले हो जाएं तो कुछ चैप्टर आपके रह जाएं, और कहीं थोड़ा लेट में एग्ज़ाम हो तो हो जाएं। बाकी आपको होम एग्जामिनेशन के स्टूडेंट से ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बाद में भी आप उस चैप्टर को पूरा कर सकते हो। ओवरऑल आप बाद में कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करोगे तो 11 12th को कंबाइंड प्रिपरेशन करना है। ओके, थैंक यू।